नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम सभी दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, और मैं उम्मीद करता हूं आप आगे भी हमारी वीडियोस देखते रहेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सप्तक। आइए बात करते हैं सप्तक के बारे में। सप्तक और ऑक्टेव। व्हेन अ सेट ऑफ सेवन नोट्स आर संग और प्लेड इन एन ऑर्डर, इट्स कॉल्ड सप्तक। फॉर एग्जाम्पल, सरेगामा पाधानी नीधापामा गारेसा। जब हम सात स्वरों को कंटिन्यू बजाते हैं एक सीक्वेंस में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, म्यूजिकल लैंग्वेज में उसको एक सप्तक कहते हैं। और सप्तक का जो बेस होता है वो हमारी आवाज़ के साथ होता है, ह्यूमन वॉइस के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोग बहुत हाई नोट्स पे गाते हैं, कुछ मिडल में गाते हैं, या गज़ल्स में लो नोट्स भी यूज़ करते हैं। तो हम जब स्वरों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, कभी हाई, कभी मिडल, कभी लो, तो हमारी आवाज़ के साथ ही सप्तक क्रिएट होता है और उसका कनेक्ट हमारी आवाज़ के साथ ही है। बात करते हैं म्यूज़िक में कितने तरह के सप्तक हैं। संगीत में तीन सप्तक के साथ गाया बजाया जाता है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक जिसको हम लो ऑक्टेव बोलते हैं, मध्य सप्तक जिसको हम मिडिल ऑक्टेव बोलते हैं, तार सप्तक जिसको हम हाई ऑक्टेव बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंद्र सप्तक की। मंद्र सप्तक के नोट्स बिल्कुल डाउन में होते हैं, इनकी आवाज़ बहुत धीमी होती है गाने बजाने में, प्रैक्टिकली हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस ऑक्टेव, इस सप्तक को लिखने के लिए स्वरों के नीचे डॉट लगाया जाता है ताकि ये पता लगे कि ये लो नोट्स के हैं या मंद्र सप्तक के स्वर हैं। मध्य सप्तक के स्वरों के नीचे कोई भी डॉट नहीं लगाया जाता, कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता, ना ही इनके ऊपर लगाया जाता है, ये नेचुरल रहते हैं। सारेगामा पाधानी बिल्कुल सिंपल ही लिखा जाता है। तार सप्तक के जितने स्वरों के ऊपर डॉट लगाया जाता है ताकि ये पता लग जाए कि ये तार सप्तक के स्वर हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे, बजा के देखेंगे, गा के देखेंगे कि इन तीन सप्तकों को कैसे बजाया जाता है और कैसे इनके साथ गाया जाता है और कैसे इनको हारमोनियम पे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सप्तक क्या होता है, कितने टाइप का होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सप्तक किसको कहते हैं और ये तीन तरह का होता है संगीत में, जो हमारी आवाज़ के साथ कनेक्ट है, जिसको हम मंद्र सप्तक कहते हैं, मध्य सप्तक और तार सप्तक कहते हैं। और जाते जाते दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा प्यार इसी तरह बना रहे, हमारी वीडियोज़ देखते रहें और अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।